काहे कि तोरा दिमाग में ई जरूर चलता कि हमनी के जे कैली से कैली, लेकिन हमर बच्चा के एगो निमन शिक्षा जरूर मिले, हमर बच्चा एगो निमन आदमी जरूर बने। तो चौकीदार के नाम पे जो चुनाव लड़ा गया, उस चौकीदार का क्या हाल है, एक बार जरूर जाके उनसे पूछेगा कि क्या आपने कभी किसी नेता के बच्चों को, वो नेता जो आपके वोट से बनते हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएं आपकी वोट की वजह से मिलते हैं, कभी उनके बच्चों को देखा है किसी रोड पे कट्टा लहराते हुए? अब कोई राजनीतिक पार्टी कह रही है कि मैं 2 रुपए किलो आटा दूंगा, मैं ये फ्री में दूंगा, वो फ्री में दूंगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से 200 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 200 रुपए तक प्याज आपने खरीद के खाई, तो उस राजनीतिक पार्टी ने फिर 20 रुपए किलो प्याज क्यों नहीं किया? कि जिन नेताओं को लाखों रुपए तनख्वाह, कई चीजों, हवाई जहाज में छूट, ट्रेन में छूट, कैंटीन में छूट, सब जगह आप जानते हैं उनको कितनी छूट मिलती है, उन लोगों ने कितनी सब्सिडी छोड़ी आपके लिए, कि जो 100 लोग घर जाते होंगे छठ में, दुर्गा पूजा में, दिवाली में, उसमें से महज 25 लोग ही जा पाएंगे, ये जरूर याद रखिएगा। और जिस माहौल में दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसमें अगर हम आप जागरूक होके इस मुद्दे को अपने मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे और नहीं लाएंगे, अगर ऐसा हुआ। दोस्तों नमस्कार, आज मेरा सवाल बिहार यूपी यानी कि पूर्वांचल के भाइयों से है कि वो दिल्ली में क्यों आए। तो काहो मर्दबा, का हाल चाल बा, तोहनी लगन जो दिल्ली में आयल बाड़ू से काहे खातिर आयल बाड़ू, अपन गांव के स्वच्छ हवा, अपन गांव के माहौल, जहां पे राम चाचा रहीम चाचा एक जगह चाय पिएता, तो तू जो लोग दिल्ली आयल बाड़ू सो काहे खातिर आयल बाड़ू? अपन बच्चा खातिर, ओकरा अच्छा शिक्षा मिले ओकरा खातिर। का तुहार जेब में 1.5 लाख रुपया साल के बा कि तू अपन बच्चा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पैबू? और हमारा सवाल बिहार के लोगन से सेहो बा, उन मिथिला के लोगन से बा, कि अहाँ सब अपन बच्चा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकै छी जतौ अहाँ के तनख्वाह 10 से 15 हजार रुपया के बीच में हैत? कि अहाँ अपन बच्चा के नीक शिक्षा दे सकै छी? यह सवाल हमार यूपी वाले भैया लोगन से बा कि तहनी लोग जो दिल्ली में कष्ट काट के रहल बारू, एक एक कमरा में 6-6 लोग रहल तारो, से काहे खातिर? अपन बच्चा के भविष्य के खातिर। का तुहार तो जेब में 1.5 लाख रुपया साल के बा कि अपन बच्चा के तू प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पैबा? हम सिर्फ कह इतना चाहता नहीं तोरा लोगन के कि जरा सोच समझ के वोट करिए, काहे कि तोरा दिमाग में ये जरूर चलता कि हमनी के जे कैली से कैली, लेकिन हमर बच्चा के एगो निमन शिक्षा जरूर मिले, हमर बच्चा एगो निमन आदमी जरूर बने, हमर बच्चा एक निमन नागरिक जरूर बने भारत के, लेकिन ओकरा खातिर एगो निमन शिक्षा के बेहद जरूरत बा, जे तोरा के कम से कम सस्ता मिली या फ्री मिली ओकर जरूरत बा। काहे कि तहनी लोगन जिस तरह से जैसे भी आप लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से शोषण किया जाता है आपके रोजगार में भी, जो आपका उचित रोजगार का जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे अब हिंदी में इसलिए आ गया कि मैं चाहता हूँ कि सब तबके के लोग इस चीज़ को समझे। आप एक चीज़ बताइए, 2019 का चुनाव चौकीदार चौकीदार करके लड़ा गया था, मैं उस चौकीदार का ही उदाहरण देना चाहता हूं। आज के डेट में आप किसी भी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से जाके पूछिए, जिनसे 12 घंटा काम कराया जाता है, बदले में 9,000-10,000 रुपया उनको बड़ी मुश्किल से दी जाती है। तो चौकीदार के नाम पे जो चुनाव लड़ा गया, उस चौकीदार का क्या हाल है, एक बार जरूर जाके उनसे पूछेगा। और आप सब लोगों में से कई लोग अगर चौकीदार का काम करते होंगे तो ये जानते हैं कि उनकी हालात क्या है। तो आप बताइए, जहाँ पे भारत के 70 से 80% लोग दिन के 200 रुपये कमा नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हम अगर दिल्ली की बात करें, जो आज दिल्ली के चुनाव में शिक्षा का एक मुद्दा एक राजनीतिक पार्टी ने बनाया है और जिसने करके भी दिखाया, मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का नाम लेने जा रहा हूँ, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अनपढ़ रहे, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे नहीं उनको पढ़ाने के लिए, और वो भी किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आके कल को कहीं कट्टे लहराते हुए मिले, किसी राजनीतिक पार्टी के झोला झंडा उठा के घूमते मिले? झंडा अगर वो उठाए तो देश का उठाए, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तब उनको देश का नब्ज पता चलेगा, अगर वो पढ़े लिखे होंगे तभी वो देश के अच्छे नेता भी बन पाएंगे, लेकिन नहीं, शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया है कि आपके बच्चे शिक्षा पाने के काबिल नहीं रह जाते, क्योंकि हमारी आपकी मजबूरी है कि हमारी आपकी उतनी कमाई नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। यहाँ पे मुद्दा सबसे बड़ा बात यह है कि क्या आपने कभी किसी नेता के बच्चों को
वो नेता जो आपके वोट से बनते हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएं आपकी वोट की वजह से मिलते हैं, कभी उनके बच्चों को देखा है किसी रोड पे कट्टा लहराते हुए या डंडा लेके किसी अपने ही, जो अगर उनके उन्हीं के खास लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं बच्चे के घर के कोई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए उनको देखा है कभी कट्टा लहराते हुए? वहां पे हमारे आपके बच्चे गुमराह होके पहुंचते हैं, हमारे नौजवान गुमराह होके पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास मौजूदा हालात में रोजगार की इतनी विकट समस्या है कि वो आसानी से गुमराह हो सकते हैं, और शायद उसी रोजगार, वो जो बेरोजगारी बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उसी का फायदा राजनीतिक पार्टी उठाते हैं। लेकिन यहां पे ये जरूरी है, बेरोजगारी तो जो है वो है, लेकिन आपके बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी है, क्योंकि उस शिक्षा के बदौलत ही वो एक अच्छा नागरिक, उनमें सोचने समझने की क्षमता बन पाती है। आप यहां कहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया जा रहा है एक विशेष राजनीतिक पार्टी के द्वारा, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर भी वह आपके बच्चों के अंदर भी वही धर्म का जहर उड़ेला जाए, और उस धर्म की जहर जब उसके अंदर एक बार घुसा दिया जाता है तो वही बच्चे गुमराह होकर कोई कट्टा लहराता हुए पहुंच जाता है कहीं पर, कोई लाठी डंडा लेके पहुंच जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप कतई ये नहीं चाहेंगे, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा। हम आप जो यूपी बिहार से आए हुए हमारे बंधु लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, जो मिथिला से आए हैं, बिहार के मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, कई इलाके, कई जिले के लोग आते हैं, वहीं यूपी के कई जिले के लोग यहाँ आते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें जो कष्ट हो वो हो, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन वो अच्छी शिक्षा की कीमत इतनी सरकार के द्वारा रखी गई है प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। क्या आप ये समझते हैं कि आप 10 से 15 हजार की भी नौकरी कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए साल का आप बच्चों का अपना फीस दे पाएंगे, वहीं एडमिशन के वक्त 6 से 8 लाख रुपए आप अपने बच्चों को दे पाएंगे डोनेशन के तौर पे स्कूल पे? नहीं दे पाएंगे, ये आप जानते हैं। लेकिन जिस शिक्षा का मॉडल एक राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पे करके दिखाया, वहीं पर दूसरी राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पर एक राजनीति का माहौल बना रही है। लेकिन क्या उस धर्म के सहारे हमारी जीविका चल सकती है? धर्म, मैं भी हिंदू हूं, धर्म हमारी अपनी जगह है, हम अपनी धर्म की पूजा करते हैं, हमें मंदिर जाने से कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता मंदिर जाने से, लेकिन सिर्फ एक वोट के चक्कर में इस धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत हमारे बच्चों के दिमाग में जहर घोली जा रही है। लेकिन उस जहर का काट यही है कि हमारे आपके बच्चों को शिक्षा मिले। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जो आपके वोट से नेता लब्बो लबाब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके बच्चे हार्वर्ड्स और स्टीफन में पढ़ते हैं, लेकिन वही आपके बच्चों को सरकारी स्कूल तक नसीब नहीं हो पाता। लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर में जिस शिक्षा के बिना पे, जिस शिक्षा के लिए एक राजनीति कर रही है एक विशेष राजनीतिक पार्टी, उसी शिक्षा के लिए आप दिल्ली में आए हैं, कष्ट झेल रहे हैं, एक रोटी कम खा के भी आपकी तनख्वाह इतनी नहीं होगी कि आप अपने परिवार को दिल्ली में रख पाए, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे होंगे तो आपकी मजबूरी होगी कि अपने परिवार को साथ रखूं, एक कमरे में किसी तरह से गुजारा करते होंगे, लेकिन क्यों? सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो शिक्षित हो, ताकि आपने जो कष्ट झेला जीवन में आपके बच्चे ना झेले, लेकिन उसके लिए शिक्षा का होना जरूरी है, और वो शिक्षा जो आप अफोर्ड कर सके, जिसकी फीस आप दे सके, लेकिन वही शिक्षा जिसके नाम पे आज राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस शिक्षा के काट के एवज में जो स्कूल, मान लीजिए मैं अरविंद केजरीवाल की ही बात करूं, अगर वो स्कूल का उदाहरण देते हैं तो उनके विपक्ष में जो भी राजनीतिक पार्टी है, उनके बहुत से राज्य में सरकारें हैं, उनके दिल्ली में भी 1700 MCD के स्कूल हैं, वो क्यों नहीं कोई एक स्कूल का उदाहरण दे पाते? मैं यहां पे किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज का पक्षधर जरूर हूं कि हमारे देश का विकास इसी पे निर्भर करता है कि उस देश का नागरिक, उस देश के बच्चे जो भविष्य के नागरिक होंगे, जिनके हाथों में देश की कमान होगी, उनको शिक्षा जरूर मिले, शिक्षित जरूर हो, ताकि जब वो देश का झंडा उठा के घूमे तो उनको पता हो कि देश की नब्ज क्या है। अब कोई राजनीतिक पार्टी कह रही है कि मैं 2 रुपए किलो आटा दूंगा, मैं ये फ्री में दूंगा, वो फ्री में दूंगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने से 200 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 200 रुपए तक प्याज आपने खरीद के खाई, तो उस राजनीतिक पार्टी ने फिर 20 रुपए किलो प्याज क्यों नहीं किया? जब 2 रुपए किलो आटा कर सकती है, कहती है कि हम 2 रुपए किलो आटा कर देंगे, तो 20 रुपए किलो प्याज ही भी तो कर सकती थी, 200 का 20 रुपए किलो कर देती 6 महीने के लिए, क्यों नहीं कर पाई? मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं शॉर्टकट में। तो जो राजनीतिक पार्टियां, मैं सारे राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूं, जो वादे, संकल्प पत्र हो, घोषणा पत्र हो, मैनिफेस्टो हो, उसकी कानूनी क्या, उसकी उसकी कोई वजूद है कि उन्होंने अगर पूरा नहीं किया तो उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? है कोई न्यायालय ऐसा जो इस बारे में पूछे जाके? आप लोगों को याद होगा किस तरह से गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील की गई थी, याद है ना? अब 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में आप खरीदते हैं। मैं सिर्फ यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं
कि जिन नेताओं को लाखों रुपए तनख्वाह, कई चीजों, हवाई जहाज में छूट, ट्रेन में छूट, कैंटीन में छूट, सब जगह आप जानते हैं उनको कितनी छूट मिलती है, उन लोगों ने कितनी सब्सिडी छोड़ी आपके लिए, ये सवाल आपने कभी पूछा कि नेताओं ने, नेताजी ने कितनी सब्सिडी आपके लिए छोड़ी? लेकिन आम नागरिक जो 300 350 400 रुपए का सिलेंडर लेता था, आज के रेट में 1000 रुपए का सिलेंडर लेने पर उसको मजबूर किया गया। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहूंगा, आखिर नेताजी को सब्सिडी छुड़ाने के लिए क्यों नहीं कहा गया? हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे थे कि सब्सिडी छोड़ सकते हैं आप, तो प्रधानमंत्री जी ने कितने नेताओं जी से अपील किया कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, और वो तो ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है, सब्सिडी सबकी हटा देते, कहते सब्सिडी किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया? लेकिन आम जनता तो सब कुछ छोड़ दे, लेकिन जिन जो नेता हमारे से लंबी लंबी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, जिनके बच्चे हार्वर्ड्स और स्टीफन में पढ़ते हैं, वो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां पे तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपने वो जुमला सुना होगा, देश नहीं बिकने दूंगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहां पे आज ही एक न्यूज छपी है कि तकरीबन 500 ट्रेनों को प्राइवेट के हवाले करने जा रहे हैं। तो आप एक याद रखिएगा कि साल में आप एक बार जो गांव जाते थे, शायद उसको जाने के लिए भी आपको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि तेजस जो चला था उसमें पता है आपको डायनेमिक फेयर के नाम पर कितने पैसे वसूले गए थे? हाईएस्ट 4,300 रुपए दिल्ली के से लखनऊ का किराया। तो जब प्राइवेट के हाथों में ये ट्रेन चले जाएंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो 100 लोग घर जाते होंगे छठ में, दुर्गा पूजा में, दिवाली में, उसमें से महज 25 लोग ही जा पाएंगे, ये जरूर याद रखिएगा। क्योंकि जब प्राइवेट हाथों में कुछ जाएगा तो वो जनता का ख्याल नहीं रखती, उनको अपना मुनाफा नजर आता है। और देश की सबसे बड़ी जो यातायात व्यवस्था हमारी भारतीय रेल थी, भारत की शान थी, वो भी अब प्राइवेट हाथों में जाने के लिए तैयार खड़ी है, और बड़ी तत्परता से उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिस ट्रेन के अंदर में आप खाना भी खरीदने के साथ काबिल ना रह जाए, क्योंकि जो प्राइवेट हाथों में होगा तो उनका काम है मुनाफा। तो देश कहां जा रहा है ये आपके सामने है, लेकिन इस देश को बदलना भी हम नागरिकों का कर्तव्य है। हम नागरिकों का कर्तव्य है कि जब भी चुनाव हो और जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरे, तो उनके जेहन में ये बात डालना हमारा कर्तव्य है, नागरिक का कर्तव्य है। ये चुनाव मुद्दों पे लड़िए, देश की अर्थव्यवस्था पे लड़िए, बेरोजगारी के पे लड़िए, देश की महंगाई पे लड़िए, देश की जनता के विकास पे लड़िए, ना कि धर्म के नाम पे लड़िए। धर्म तो हमारा है ही और वही रहेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और जिसके लिए आप बहुत ही कष्ट में जिंदगी जीते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन उस शिक्षा की इस तरह से व्यापारीकरण कर दिया गया है कि आपके बूते की बाहर है वो शिक्षा। आप कोई बिहार में कोई शहर छोड़ के आए हैं, आप यूपी में अपने गांव छोड़ के आए हैं, बिहार में आप कोई गांव छोड़ के आए हैं, किस लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है आपके दिमाग में, आपके बच्चों की शिक्षा चलती है, और उस शिक्षा को देने के लिए आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आज के रेट में नहीं दे सकते हैं। मैं अगर यहां पे कहूं, फिर रिपीट करूंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के मॉडल की बात करते हैं, तो उनके विपक्ष में जो भी राजनीतिक पार्टी खड़ी है, क्यों नहीं एक स्कूल का उदाहरण वो भी पेश करती है? दिल्ली के अंदर में 1700 स्कूल एमसीडी के अंदर में वो एक उदाहरण तो पेश कर सकती थी, लेकिन नहीं। बहुत से राज्यों में कई पार्टियों की सरकार है, वो कई उदाहरण पेश कर सकते थे, लेकिन उनके पास नहीं है। लेकिन बदले में धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, खासकर अपने बिहार के लोगों के, पूर्वांचल के लोगों को, यूपी के लोगों को, कि आप इतना जरूर याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी सिर्फ इसके लिए काम कर रही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये जरूर चलता है और हर लोगों के दिमाग में चलता है कि हम जी रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दे पाए। हमने जो किया वो कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं या छोटी छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा जरूर मिले। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई वादा कर रहा है कि मैं ये करूंगा, वो दिखाने को अपने अलग राज्य में करके दिखा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिखाया। हर चुनाव में चुनावी जुमलों का भरमार होता है, लेकिन उस जुमलों को जब पूरा नहीं किया जाता है तो आप कर क्या लेते हैं और कर क्या सकते हैं सिवाय 5 साल इंतजार के। लेकिन जो संस्कृत में कहा गया है कि जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जाता है, उसका निश्चित तो चला ही जाता है और अनिश्चित तो गया ही हुआ है। तो यह अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं यहां पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली का ये राजनीति पूरे देश को बदलने वाला है। आपने वो एक ऐड देखा होगा, एक पार्टी ऐड दे रही है कि देश बदला दिल्ली बदलो। तो दिल्ली तो देश की राजधानी है और थी और रहेगी, लेकिन जब दिल्ली को बदलने की बात, जब देश बदला तो दिल्ली क्यों नहीं बदला, ये तो समझ से बाहर है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से
और जिस माहौल में दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसमें अगर हम आप जागरूक होके इस मुद्दे को अपने मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे और नहीं लाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश की ये राजनीति बदल जाएगी। और उस वक्त किसी भी राज्य में चुनाव होगा तो फिर क्या मुद्दा चलेगा ये आपके सामने है, तो आप सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि हम आप इस देश को बदलने की जिम्मेवारी हम पे और आप पे है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि बुद्धि और विवेक से काम लें और अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल रखें। शुक्रिया। जय हिंद।